यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे भाई लोग फुल फ्रीडम के साथ अपना कंटेंट दुनिया को दिखा सकते हैं। कंटेंट छोड़ो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है भाई, अपना टैलेंट वो दुनिया तक पहुँचाते हैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए। पर कुछ लोगों को ऐसा देख के लगता है कि भाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो छोड़ो, कंट्री भी वेस्ट है। आज हम ऐसी बात करने वाले हैं आरुष भाई के बारे में। इसके दोस्त इसको प्यार से दरिंदा और लड़कियां चलता फिरता रेड फ्लैग बताती है। हाँ हाँ भाई, प्रॉन टॉप तो बनने गई क्योंकि हम भी तो तेरे लेने वाले हैं। आरुष की वीडियोस व्लॉग कम और एमएमए ज्यादा लगते हैं, ऐसा लगता है भाई किसने गलती से ना डाल दियो। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है भाई, व्लॉग्स में इनकी बातें सुन के ना ऐसा लगता है कि ये लोग फेमस होने के लिए नहीं, देश से कैंसिल होने के लिए वीडियोस बना रहे हैं। बट यार आरुष और उसके दोस्त है ना फियरलेस है, मतलब उनको ऐसा लगता है कि वो ना किसी से भी नहीं डरते और वो किसी से कुछ भी कह सकते हैं, सिवाय कुत्ते पकड़ने वाली गाड़ी। जब भी घर से बाहर जाता हूँ सबसे पहले माँ का आशीर्वाद लो, फिर बाप की माँ का आशीर्वाद लो, और फिर सबकी माँ बहने एक कर दो, फिर मारने का आएगा तू। ठीक है भाई, समझ गया यार, तेरी फैमिली के लोग बहुत ज्यादा चिल है। आरुष भाई के पेरेंट्स अपने कुत्ते और बेटे में भाई कोई भी फर्क नहीं करते, बेशक उनका कुत्ता सिर्फ खाता हकता और घूमता हो, पर फिर भी वो उसको अपने बेटे बूजों की तरह रखते। लोग बोलते हैं कि भाई आरुष का जो बाइसेप है वो कितना मोटा है, और भाई तुम्हें ये नहीं दिखाई देता कि उसकी बुद्धि उससे ज्यादा मोटी है। तो भाई जो लोग जिम में जाके भाई स्टेरॉइड्स लेते हैं ना, देखो तुम्हारी बॉडी तो बन जाती है पर बुद्धि बिल्कुल और बिल्कुल आरुष जैसी हो जाती है। आरुष और लैला की जोड़ी भाई बहुत ज्यादा अच्छी है, नो डाउट बहुत ज्यादा अच्छी है, और इस दोस्ती का इतने करीब होने का ना श्रेय पूरा पूरा मोदी जी को जाता है। अगर मोदी जी आर्टिकल 370 नहीं हटाते तो भाई ये रिश्ता भी कहीं दब जाता। आरुष भाई की दोस्ती इतनी ज्यादा पक्की है कि उसकी गर्लफ्रेंड आरुष को डैडी और लैला को चाची बुलाती है। आरुष इतनी वल्गर बातें करता है, इसकी गर्लफ्रेंड इसको टॉक डर्टी टू मी नहीं, सिर्फ ये बोलती है टॉक टू मी। अगर आरुष भाई बिग बॉस में जाता है ना तो बिग बॉस कलर्स टीवी पे नहीं पोर्न अप स्ट्रीम करना पड़ेगा। पर भाई हैट्स ऑफ टू इट्स पेरेंट्स यार, मतलब अंकल आंटी कितने टाइम से इसको संभाल रहे हैं और मेरे से इसकी 20 मिनट की वीडियो नहीं झेली जा रही। आरुष के व्लॉग भाई जनरली 20 से 22 मिनट के होते हैं, अगर उसमें से गालियां निकाल दूं तो 5 मिनट, और उस 5 मिनट से भी अगर लैला को मैं निकाल दूं तो उतना ही होता है जितना आरुष का IQ है। गजब बेइज्जती है। अच्छा आरुष YouTube पे लाइव स्ट्रीम नहीं करता क्योंकि इसकी बातें स्ट्रीम YouTube पे नहीं डार्क वेब पे करनी पड़ेंगी, क्योंकि इनकी बातें रेड रूम से कम तो है नहीं। भाई अच्छा है दिल्ली पुलिस में से कोई इनका व्लॉग नहीं देखता, वरना अगला व्लॉग डायरेक्ट जेल के अंदर से होता। यार आरुष से ना ये दिल्ली पुलिस बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि वो भी पूछ रहे हैं कि भाई ऐसी कौन सी दारू है जो हमारी मशीनें डिटेक्ट नहीं कर पा रही। आरुष है ना लेग डे बहुत ज्यादा स्किप करता है, तभी मैं सोचू उसके ब्रेन सेल्स जो अभी तक पूरी तरह डेवलप क्यों नहीं हो पाए। माफ कर दो, नॉर भी जोक मारते एक बीच में, ठीक है। आरुष की वीडियो व्लॉग्स कम और स्ट्रिप्टीज ज्यादा होती है, इतनी नंगी हरकतें जो करते हैं लोग। आरुष भाई के पापा उसको अपने फ्रेंड की तरह ट्रीट करते हैं, मतलब वा अंकल वा आपने दिल जीत लिया, कितना स्मूथ तरीका है समाज से छुपाने का कि आपका लड़का है। मरना तेरे को डर नहीं लगता? आरुष के पापा बहुत ज्यादा समझदार है, वो जो भी डिसीजन लेते हैं ना भाई बहुत सोच समझ के लेते हैं, बट स्टिल दो बेटे पैदा करना उनका आज तक का बेस्ट डिसीजन था। आरुष यूट्यूब पे अगर करियर ढंग का ना चले ना तो टेंशन मत लियो, तेरे को किसी भी हॉस्पिटल में भाई कंपाउंडर की जॉब तो बड़े आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि इंजेक्शन लगाने तेरे को बहुत अच्छे से आते ही होंगे। इमोशनल डैमेज। आरुष के लिए सारे रिलेशनशिप एग्जाम की तरह होते हैं क्योंकि वो दोनों में चीट करता। आरुष और उसके दोस्त नशा नहीं करते क्योंकि नशे में ही रहते हैं। आरुष ने बोला कि भाई वो अपनी वीडियोस खुद एडिट करता है, जो कि काफी अच्छी बात है क्योंकि किसी और में तो इतनी हिम्मत होगी नहीं कि वो उसकी पूरी वीडियोस देखे। जब घर का बेटा बाहर जाता है ना तो माँ बाप को भाई बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है कि यार ये बाहर तो जा रहा है कहीं किसी बुरी संगत में ना पड़ जाए, बट इसके पेरेंट्स यार ये सोचते होंगे कि यार भगवान प्लीज काश ये किसी और के बच्चे को ना बिगाड़ दे, क्योंकि यही वो बुरी संगति है भाई जिससे माँ बाप दूर रहने को कहते हैं। आरुष इज अ ट्रू फ्लैग बियरर ऑफ टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। अरे कहना क्या चाहते हो? आई नो ये जोक सुन के भाई आरुष बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं होगा, क्योंकि ऑफेंड होने के लिए जोक तो समझ आना चाहिए। आरुष इज द रिजल्ट व्हेन आप बनना तो एंड्रू टेट चाहते हो, बट आपकी जो वोकैबुलरी है वो हिंदुस्तानी बाहू जैसी है। ये एंड्रू टेट नहीं एंड्रू टे है। मैंने इसको नंगा करके नीचे भेज देता, भाग जा यहाँ से, घर से निकल जा, कपड़े भी नहीं दूंगा, अपने आप सुधर के आएगा। एक बार भेजा, दो बार भेजा, ये आ गया, तीसरी बार ये भी नलायक नीचे जाके खड़ा हो गया, आया ही नहीं। मैं इसे लेने गया, मैं कहा जा भाई तू तो मेरी बेइज्जती करा देगा। उसके बाद इसको मैंने ये काम छोड़ दिए। अब समझ आया बेटे मेरे कि तेरे को अभी नंगाई की आदत कहाँ से पड़ी। आरुष भाई को क्या बनाना चाहते थे? दिल से ख्वाहिश थी, पापा जी पहलवान थे, 269 कुश्ती लड़े हैं, 269 कुश्ती जीते हैं। केसर चंद नाम था, ये मजाक नहीं है, मेरे को मजाक लगता था, पर बड़े हो गए मैं, एक दो बार करोल बाग गया, वहीं सब कह रहे केसर जी का पोता है, केसर जी का पोता है। अच्छा हुआ लोग इसको इसके दादाजी के नाम से जानते हैं, क्योंकि अगर उनको पता लग जाता कि अपने असल जीवन में क्या करता है तो सारी कुश्तियां जीतने के बाद भी दादाजी जीवन में हार जाते। मैं अपनी टट्टी में तुझे भी खिलाऊंगा, अपनी खुद भी खिलाऊंगा।
टू बॉयज वन कप के लिए चेहरे मिल गए हैं दोस्तों। ये क्या है? ये मच्छर काट गया। मच्छर नहीं, मधुमक्खी है ये। अच्छा हुआ अंकल ने गले के निशान देखे, सिर्फ अभी हाथ के इंजेक्शन के नहीं देखे। भाई ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है यार, इसको ओरिजिनल करेक्टर नहीं, ओरिजिनल करेक्टर लेस लिखवाना चाहिए था। देख स्माइल, देख जब स्माइल कर तो देख दुनिया हिल जाती है। भाई कंपेयर इट विद दिस स्माइल। किसी भी लड़की से बोलो मैं बहुत रिस्पेक्टफुल हूँ लड़कियों को लेके। A few moments later रात को कोई क्लब व्लब गए, वहाँ पे एक लड़की को देख लिया, वो लड़की इससे भी चूसी है, मेरे से भी चूसी है। अबे चूसी आयरनी हो रही है जी, बहुत भयंकर। मतलब बात करी है, चूसी बात करी है, चूसी मतलब जैसे वो लड़की क्या कर रही है कभी किसी, कोई फिल्टर नहीं है भाई लड़कों में, कोई फिल्टर। चूसी का मतलब समझा दो भाई, चूसी का मतलब किस? अच्छा किस? मैं लड़कियों की इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ बोलने के बाद, भाई ये कैसे बोल सकता है ये आदमी? ये लड़कियों की उतनी ही रिस्पेक्ट करता है जितना समाज इसकी करता है। भाई तूने खुद को तो पतला कर लिया, अपनी मोटी बुद्धि का तो कुछ कर। ये है दुनिया के सबसे छोटे कंप्यूटर का साइज, और चावल के दाने के कंपैरिजन में ये ऐसा दिखता है। आरुष यार इस कंप्यूटर का भी दिमाग तेरे से तेज चलता होगा। ये गोली टच करके गई है, दिखाई दर घूम करके। मैं बताता नहीं हूँ, गिनने 24 घंटे हंसी मजाक ना वे, इसको समझा ले। 24 घंटे हंसी मजाक नहीं अच्छा लगता। हाँ यार बंदा सही तो कह रहा है यार, हर बार मजाक थोड़ी ना होता, बंदा इतनी सीरियस बात बोल रहा है, सुनो तो उसको। हाँ भाई बता दे इसको, पैरासिटामोल नहीं डिस्प्रिन की गोली थी। चेहरे में नूर आ गया तेरे, साढ़े पता नहीं क्या हो गया है। पता क्यों आया ये? सेक्स करके। हाँ भाई तभी मैं सोचू, आरुष और लैला दोनों के चेहरे पे सेम टाइम सेम ग्लो कैसे रहता है। आओ गाइस हम सब मिलकर 2 मिनट का मौन करते हैं, क्योंकि आज एक्टिंग की मौत हुई है। भाई माना कि तू फालतू है, पर बाकी लोगों के पास तो काम है ना। तो भाई यहीं पे वीडियो को खत्म करते हैं। भाई इस वाली वीडियो को कोई भी हेट के पर्पस से मत लेना, आरुष अपना भाई है, हम उसके भाई हैं। तो भाई ये सिर्फ हंसी मजाक में हम लोगों ने रोस्ट निकाला है, तो आरुष भाई वी लव यू, तुम हमारे भाई हो। और बाकी तो भाई सिर्फ हंसी मजाक में मैं लास्ट में यही बोलना चाहूंगा, तो इसको एज अ सिर्फ कॉमेडी लेना, इसको हंसी मजाक लेना भाई, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, कोई हेट नहीं है, कोई कुछ नहीं, सिर्फ हंसी मजाक है। तो भाई यहीं पे वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसका लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, इंस्टाग्राम के आपको लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। तो भाई किस चीज का वेट है, जल्दी जाकर फॉलो कर लो, और भाई कमेंट सेक्शन में बता दो अगला रोस्ट आपको किस पे चाहिए।